सो वेलकम बैक टू अगेन और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। हम उड़ीसा जेई का उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक मेरे उड़ीसा जेई के वीडियो पहुंचते रहेंगे। साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए उड़ीसा जेई की काउंसलिंग पैकेज बनाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं लिया है आप जाकर हमारे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके नीचे लिंक पर अपना कॉन्टेक्ट करके ओजी काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो ओजी काउंसलिंग में जो लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस साल, तो सबसे पहले तो रैंक कार्ड आ चुका है, आप सभी ने देख भी लिया होगा कि किनका क्या रैंक बन रहा है। तो देखो, किसी रैंक के आधार पर हम किसी भी कॉलेज को नहीं कह सकते कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पर जा सकता है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कॉलेज का रैंक कभी बहुत नीचे भी जाता है, कभी अप भी होता है। डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे किस कॉलेज के लिए ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये चीज माइंड में रहना कि कोई भी महा कहते हैं ना विश्व पितामह भी कोई होगा ना, कोई भी किसी भी कॉलेज का रैंक नहीं पता कर सकता। तो एक चीज आप अपने आप को जो भी सोशल मीडिया है इस रूमर से बच के रहना। बाकी कुछ पोर्टल्स वगैरह हैं, ठीक है, पोर्टल्स से आपको आइडिया मिल जाता है वहां से कि क्या कटअप जा सकता है। तो उस कटअप को देखकर आप नहीं एनालाइज कर सकते हो कि किस कॉलेज का क्या कटअप करने वाला है, राइट ना। अगर राइट हो तो कमेंट करके बताना कि भैया आप राइट है। बाकी उड़ीसा जेई का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आप काउंसलिंग करोगे तो जो कॉलेज को आप सिलेक्ट कर चल रहे हो, ठीक है ना, तो आपको हमेशा उस कॉलेज के साथ दो ब्रांच का ऑप्शन रखना है जो बीटेक वाले हैं। उसके अलावा जो एमबीए एमसीए बी फार्मा वाले हैं इनको भी देख के चलना है कि भाई कब किस समय किस राउंड में कौन सा कॉलेज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एक एक्सपर्ट का काउंसलिंग में सपोर्ट नहीं लेते हो तो यार मैंने देखा है कि बच्चा अपने रैंक के हिसाब से भी अच्छा कॉलेज नहीं ले पाता। और ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों ने एक्सपर्ट का सलाह लिया है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है काउंसलिंग में। तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। बाकी उड़ीसा जेई का मैं अब अपडेट लाने वाला हूं, ठीक है, तो वो चीज वेट करने का जो होता है ना पैसेंस खत्म होने वाला, तो मैं बहुत जल्द सारा कटअप वीडियो जो भी कॉलेज है धीरे धीरे मैं अपडेट कर दूंगा, चाहे आपका सीटी भुवनेश्वर कैंपस हो, चाहे बीर सुंदर साई यूनिवर्सिटी हो, चाहे उसके बाद आपका जो कॉलेज है संबलपुर कैंपस हो गया, तो हर कॉलेज का आईआईटी सरंग का हर कॉलेज का मैं एक वीडियो बनाकर तैयार करूंगा नया, साथ में कटअप को भी अपलोड करूंगा। शायद तो कोई भी 100% एक्सेप्ट नहीं बता सकता है कि क्या कटअप, बट हाँ मेरे वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि जो भी लास्ट ईयर की जो भी उड़ीसा जेई की काउंसलिंग मेरे वीडियो से हेल्पफुल में लिए थे, मेरा मानना है कि 90% बच्चों को हेल्पफुल हुआ था। फ्रेंड, तो फिर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो भी ओजी एक्सपीरियंस है उनको भी शेयर करना ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से उनको भी बेनिफिट मिल सके। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ओजी काउंसलिंग का लिंक दे चुका हूं, तो आप वहां से अपने ओजी काउंसलिंग का पैकेज जरूर लो ताकि आपको हेल्पफुल मिल सके। फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।